हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ राज अल्बर्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी पता है, प्रश्नावली 6.3 आज स्टार्ट करेंगे। जो भी प्रमेय इंपोर्टेंट प्रमेय थे वो हमने कर लिए थे पिछली वीडियो में, ठीक है। तो जिसने भी नहीं देखा, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ वो प्रमेय आप जरूर जाके देखें, फिर इस प्रश्नावली को आप आसानी से समझ सकेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना मैंने प्रमेय बताया है वो सभी प्रमेय इसमें यूज होगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो प्रमेय एक बार आप जरूर जाके देख लीजिए। पहला प्रमेय मैंने क्या बताया था, प्रमेय 6.3 ए समरूपता कसौटी, और दूसरा क्या होता है, SSS समरूपता कसौटी। तीसरा जो प्रमेय था वो SAS था, तो वो मैंने नहीं बताया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो जो सवाल में कर देंगे उसको, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ वो जाके एक बार जरूर देख लीजिए, तभी आपको सवाल समझ में आने वाला, ठीक है। क्योंकि जो भी बेसिक वगैरह, बेसिक आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है कोई भी सवाल बनाने के लिए, इसलिए बेसिक आप जरूर देखें, ठीक है। थ्योरम्स प्रमेय, थ्योरम्स प्रमेय का विलोम, ये सब भी हमने करा दिया है। ये सब भी अगर आपने नहीं देखा जाके जरूर देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सके, ठीक है। तो फिलहाल करते हैं प्रश्नावली 6.3 का स्टार्ट। चलिए हमारे साथ पढ़िए प्रश्नावली 6.3 का पहला सवाल। तो देखिए, पहला सवाल मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि हमें ज्यादा लिखना ना पड़े। देखिए, पहला सवाल जो कह रहा है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, यही हमें कह रहा है। क्या कह रहा है बताइए, क्या आकृति 6.3.4 में, मतलब कि सब ये आकृति दिया हुआ, ठीक है। दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, मतलब कि जितना भी त्रिभुज दिया गया, हालांकि 5 सवाल इसमें, 6 सवाल है टोटल, कितने 6 सवाल है। तो 6 सवाल में देखेंगे कि कौन कौन सा समरूप त्रिभुज है और कौन कौन सा समरूप नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कौन कौन सा समरूप है। अब समरूप होने का क्या क्या कसौटी है, ये सब आपको पता है, प्रमेय अगर आपने देखा है तो आपको पता अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा समरूप है। तो सबसे पहले क्या, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए, समरूप इसको दो तरह से हम कर सकते हैं, या कोण कोण समरूपता से, या फिर भुजा भुजा समरूपता से, ये भी हमने करा दिया, ठीक है। तो इसी दोनों का युग्म बेसिकली इसमें होगा, ठीक है। तो देखिए, ए बी सी में जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए एंगल ए कितना है, 60 डिग्री है। एंगल पी देखिए कितना है, 60 डिग्री है। देखिए, पहला एंगल तो मिल चुका है, अब दूसरा एंगल देखते हैं। दूसरा एंगल देखिए, बी इसका 80 डिग्री है, और इसका जो क्यू है वो भी 80 डिग्री है। इसका जो सी है वो 40 डिग्री है, और इसका जो सी आर है वो भी 40 डिग्री है। तो आपको लग रहा है कि पूरा बराबर है, तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये पूरा बराबर है। देखिए आप, देखिए ए बराबर है पी के, 60 भी है, और ये बी बराबर है क्यू के, और ये सी बराबर आर के। तो कहेंगे एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी, नहीं तो एक काम कीजिए, पहले आप ये लिख लीजिए, ठीक है। पहले आप ये लिख लीजिए, ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा था ना, पहले आप ये लिख लीजिए, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर, ऐसे बनाइएगा ना, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल ए बराबर एंगल पी, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ठीक है। उसके बाद एंगल सी बराबर एंगल आर, ठीक है। इस तरह से क्या, तीनों जो कोण है, ये क्या इसके भी कोण और इसके तीनों कोण क्या बराबर है, तो कह सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे समरूप है, ए ए ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। समरूपता कसौटी से, यानी कि ए मतलब कोण कोण समरूपता, ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं कोण कोण समरूपता से, ठीक है। तो भाई आपका पहला सवाल क्या बन चुका, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि दूसरा सवाल समरूप है या फिर नहीं है, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिएगा, इसमें तो कोण का बात ही नहीं किया, मतलब कोण का, इसमें जैसे देखिए, इसमें आपका कोण से बात किया गया था, लेकिन इसमें कोई कोण का बात नहीं कर रहा है, भुजा दिया गया। तो देखते हैं भुजा भुजा से समरूपता है या फिर नहीं है। तो क्या तीनों भुजा बराबर होना चाहिए ना, चलो देखते हैं। देखिए ये भुजा देखिए कितना है, 2 है, तो देखिए 2 का आधा होना चाहिए, 2 का आधा होना चाहिए। देखिए 2 का आधा ये 4 हमें दिख रहा है, फिर 2.5 का आधा कितना था, मतलब कि पूरा कितना था, 5 होता है, तो 5 भी हमें दिख रहा है। हालांकि ये बोलिया कि सर ये 2 है तो इसका सीधा ये 2 होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है, कोई भुजा होना चाहिए, ठीक है। देखिए 2 ये हो गया, और 2 का दोगुना कितना होता है, 4 होता है, 2.5 का दोगुना 5, ये भी हमें मिल रहा है, और 3 का दोगुना 6 होता है, ये भी हमें मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर, देखिए ए बी भुजा, ए बी बटे, देखिए इसका कौन है दोगुना, ये है क्यू आर, तो क्यू आर को लेंगे बराबर, फिर बी सी, बी सी बटे, अब बी सी 2.5 किससे दुगुना है, इससे यानी कि पी आर से लेंगे बराबर, ए सी बच गया, और इधर क्या बचा, इधर
पी क्यू बच गया। अब जरा सबका अनुपात निकालिए, देखते हैं सबका अनुपात अगर बराबर है तो कहेंगे भाई ये समरूप है। तो ए बी कितना आपका, ए बी दो है और क्यू आर आपका चार है। बी सी कितना आपका, बी सी 2.5 है। पी आर आपका 5 है। ए सी आपका कितना, देखिए ए सी आपका 3 है और पी क्यू आपका यार 6 है। तो देखते हैं 2 से कटे 2 कम 2, 2 दूनी 4। देखिएगा जब यह ऊपर दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए हम एक नीचा सुनना देते हैं, तो दशमलव बढ़ गया। अब देखिए 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। देखिए सबका ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो जो भुजाएं का जो अनुपात है वो क्या समान आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर से, लेकिन कैसे समरूप है, भुजा भुजा समरूपता से। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर कैसे है, भुजा भुजा समरूपता से। भुजा भुजा एस का मतलब था साइड, साइड मीन्स भुजा, तो हिंदी भी लिख सकते हैं आप भुजा भुजा, ठीक है। तो भुजा भुजा समरूपता कसौटी से आप लिख लीजिए, ठीक है। तो पहला का जो पहला सवाल था, ये पहला सवाल और दूसरा सवाल हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं इसका तीसरा, जो पहला का तीसरा चौथा हमारा सब देखते हैं, यानी पहला का सभी सवाल हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा सवाल सबके नेक्स्ट दिन करेंगे। तो अब देख लेते हैं पहला का तीसरा सवाल क्या कहता है। देखिए पहला का तीसरा सवाल क्या है, LMP त्रिभुज है और DEF त्रिभुज है, देखना हमें कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं या फिर नहीं है। चलो देखते हैं, या फिर कौन से हो सकते हैं या फिर भुजा से हो सकते हैं, दोनों में से किसी से हो सकते हैं। तो देखते हैं कौन दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कोण का तो कोई चर्चा नहीं किया गया, तो भुजा देख लेते हैं। तो भुजा देखो एल भुजा ये, एम भुजा ये, यानी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। तो देखते हैं सब अगर बराबर आ रहा, यानी कि समान अनुपात में आ रहा, तो कहेंगे कि भुजा भुजा से समरूप है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हम, देखिए LM तो लेते हैं LM बट देखिए 2.7 LM बटे PE लो। एक काम करो, जो जो बराबर पहले उसको देखो, 2 × 4 और 3 × 6, मतलब जो जो दो गुना आ रहा पहले उसको ले लो, यानी कि MP बटे किसके, मतलब दो गुना आ रहा है यार DE के, तो DE लिख सकते हैं बराबर। और फिर देखो 3 × 2 क्या 6 है, यानी कि LP बटे क्या है DF बराबर, एक कौन बच गया LM और एक उधर बच गया EF। अब जरा देखो MP का मान कितना, 2P है, 2 है, और DE का मान कितना है, देखिए DE का मान कितना 4। अब बराबर LP कितना है, LP 3 है और DF कितना आपका 6 है, और LM कितना है, LM 2.7 है, EF कितना आपका, EF 5 है। जरा देखिए 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 4, देखिए ये 1/2, ये 1/2, यानी कि ये 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, लेकिन ये 1/2 कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो कहेंगे ये मतलब ये दोनों तो बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है, तीनों बराबर होना चाहिए ना। तो कहेंगे कि ये क्या है, LMP सर्वांशम नहीं है, DEF समरूप नहीं है, ठीक है। ये क्या है, समरूप नहीं है, ठीक है। सवाल देखिएगा चौथा सवाल आपका कह रहा है कि अगर ये MNL और PQR, इसमें देखिए 2.5 और 5, अगर दो भुजा और एक कोण भी बराबर है, दो भुजा अगर एक कोण भी बराबर है, तो कहेंगे कि ये भुजा कोण भुजा से समरूपता होगा, जो कि प्रमेय 6.5 है, ठीक है, प्रमेय 6.5 है। देखिएगा 2.5 का दो गुना कोई लग रहा है, 2.5 का दो गुना ये लग रहा है 5, ढाई का दोनों 5 होता है ना, और ये 5 का दो गुना ये 10 लग रहा है, तो दो कोण तो बराबर हो रहा है और एक 70-70 दिख रहा है, यानी कि मतलब दो भुजा बराबर हो गए और एक कोण बराबर हो गए। तो कह सकते हैं SAS सर्वांशमता से ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो चलो लिखते हैं MMN बटे 2.5 का दोगुना PQ का, ये बराबर है किसके, ML बटे QR के। अब देखो MN कितना आपका, MN 2.5 है और PQ कितना, PQ 5 है, ML कितना 5 और QR आपका 10 है। तो कटाइएगा ये 2.5 × 2, यानी कि 1/2, 5 × 5 = 10, यानी कि ये दोनों 1/2 1/2 क्या बराबर है, तो ये दो भुजा बराबर है और एक कोण देखो, तो ये 70 और ये 70, कोई एक कोण बराबर है ना, दो भुजा बराबर होना चाहिए, एक और कोई एक कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कहेंगे वो क्या है, यानी कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी कि SAS से त्रिभुज MNL त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है, ऐसे हो गया।
तो पांचवा सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल क्या कह रहा है। देखिए पांचवा सवाल आपका त्रिभुज एबीसी डीईएफ हमें दिखाना कि ये समरूप है कि नहीं। देखिएगा इसमें भी भुजा कोण दोनों दिया गया, यानी कि ये भुजा और ये भुजा, वही प्रमेय 6.5 रहेगा। इसमें जो प्रमेय 6.5 जो नहीं बताया था, बताया था मैंने, कहा था कि जब हिसाब में मैं आपको बता दूंगा प्रमेय 6.5 क्या होता है, एस ए एस होता है, यानी कि भुजा कोण भुजा होता है समरूपता, ठीक है। तो वही यहाँ पर लगेगा, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा त्रिभुज ए बी जो है, सबसे पहले देखिए वो सब छोड़िए, ये जो 80 दिख रहा है आपको, ये कोण 80, ये कोण 80 इसमें भी है, तो हम कह सकते हैं कोण ए बराबर, कोण ए बराबर कोण एफ है, ये तो हम कह सकते हैं, बात तो सही है भाई। लेकिन बात क्या है, जैसे ये कोण ए है ना, इसमें ये जो कोण ए है, इस कोण से देखिए सटल कोण भुजा, एगो ई है एगो ई है, एक भुजा है, और इस कोण से सटा हुआ कोण भुजा, एगो ई है एगो ई है। अब देखिएगा इस कोण के जो सटा हुआ एक भुजा ई है एक भुजा ई है, दोनों भुजा तो दिया हुआ, ई भी दिया हुआ ई भी दिया हुआ, लेकिन जरा यहाँ गौर फरमाइए, ये जो भुजा से सटा, ये सटा हुआ, ये भुजा ये भुजा दोनों सटा हुआ, ये तो दिया हुआ लेकिन यही नहीं दिया हुआ, तो कहीं एक समरूप नहीं है, दो भुजा दिया हुआ ठीक है। तो आप कहें सर भुजा कोण भुजा समरूपता से तो हो सकता है, ये सर्वांग समता से हो सकता है, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि जो जिस कोण से सटा हुआ उस कोण, उस कोण का दोनों भुजा देना हो से, लेकिन यहाँ तो ये दे रखा, यही तीन अगर यहाँ होता तो हम कहते सर्वांग समरूप होगा, ठीक है। तो इसलिए कह सकेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं होगा, तो लिख देना त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है, समरूप नहीं है त्रिभुज डी एफ के, त्रिभुज डी एफ के, क्योंकि कारण भी लिख दीजिए, इसका जो ये भुजा यानी कि ए सी भुजा नहीं दिया हुआ, यानी कि ए सी भुजा ज्ञात नहीं है, इस कारण से कह सकते हैं समरूप नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला का देखिए इसमें ये 70 दिया हुआ, ये 80 और ये 30 ये 80, मतलब कह रहा है कि समरूप है कि नहीं। देखिएगा दो भुजा इसमें भी, दो भुजा इसमें भी, सिंपल से बात कह सकते हैं आप, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा, ये 70 है ये 80 है, 70 80 कितना हो गया 150 होगा, बचा कितना 30, तो जाहिर सी बात है भाई ये 30 हो जाएगा, ठीक है ये 30 हो गया। अब देखिए जब ये 30 हो गया, इधर जरा ध्यान दीजिए, 80 30 कितना होता है, इस त्रिभुज में भी कितना होगा, इस त्रिभुज में भी तीन कोणों का योग कितना होगा 180 होगा, तो देखिएगा जुड़े तीनों को 80 30 कितना होगा 110 होगा, अब बचा कितना 70, 70 ये हो जाएगा, सत्तर हो जाएगा, देखिए 70 हो गया आपका। अब देखिए तीनों भुजा बराबर हो गया, D बराबर हो गया P के, E बराबर हो गया Q के, और ये F बराबर हो गया R के, तो कहेंगे कि त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR के, ठीक है। हालांकि इसको आप लिख भी सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ये सब लिख भी सकते हैं आराम से, वैसे ही आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको शॉर्ट बता दिया, सब ज्यादा ये नहीं कि एग्जाम में आएगा, बस ऑब्जेक्टिव हो सके तो ये सब प्रश्न आएगा, ठीक है। तो पहला का सभी सवाल हमने कर लिया है, अगली वीडियो में देखेंगे दूसरा का सभी सवाल, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।